नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बातें खेती में हम बात करते हैं खेती से जुड़ी हुई बातें। कोई एक विषय लेते हैं और विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं, उनसे हम करते हैं विस्तार से चर्चा। तो आज का हमारा विषय है पालक, मेथी, चौलाई। जी हाँ, ये तीनों ही तरह के साग। और चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश चंद्रा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पालक पनीर की बात हो रही हो या फिर मेथी के पराठे या फिर चौलाई के साग की बात हो, होते तो ये सब बहुत पौष्टिक हैं, बहुत ज़्यादा सेहत देते हैं, गुणों का खजाना होते हैं। लेकिन इस गुणों के खजाने को खेत से लेकर हमारे घर तक पहुँचाने में किसान की एक बहुत अहम भूमिका होती है और बहुत ज़्यादा पड़ाव इसमें पार करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी से शुरुआत करना चाहूँगी। आपने जैसे कहा कि ये पौष्टिक पदार्थ हैं और काफ़ी प्रचलित हैं, ख़ास तौर से आजकल के मौसम में तो बहुत। और किसान को भी ये इसमें लालच होता है कि उसकी जो उपज है वो खेत में ऐसी हालत में पहुँचे कि उसको अच्छे से अच्छे दाम मिले, और जितना ग्राहक को पसंद आएगा उतना उसको दाम भी अच्छा मिलेगा। किसान को ये चाहिए कि एक तो वो अपनी मंडी ऐसे छांटे जहाँ पर उसकी जो पैदावार है जब वो लेकर जाए तो मंडी में उसको भाव ठीक ठाक मिले। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि जब किसान लेकर जाता है वो उसको ऐसी अवस्था में लेकर जाए कि अगर उसको एक आध दिन रखना भी पड़ जाए तो उसकी गुणवत्ता में कोई कसर ना आए। आमतौर पर क्या होता है कि लोग किसान लोग जब उसे लेकर जाते हैं तो उसे एक पानी का छिड़काव करके ताज़ा रखने के लिए, क्योंकि पत्तियाँ होती हैं सूख ना जाएँ, लेकर जाते हैं। अगर पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी तो पत्ता सड़ने की, क्योंकि जब वो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको लेकर जाते हैं उसमें धक्के लगते हैं, दबता है, तो उसमें उसकी जो देखने में उसकी जो रंगत है, उसका जो रूप है, उसमें नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत हल्का छिड़काव करना चाहिए। आजकल जो एटमाइजर्स, जो स्प्रे के अच्छा महीन स्प्रे जो आता है उससे करके लेकर जाना चाहिए, और अगर रखना पड़ जाए तो उसके लिए भी महीन स्प्रे करके रखें। उसकी ढेरी बहुत ऊंची नहीं बनानी होती है, क्योंकि ऊपर के अगर वज़न पड़ेगा तो पत्तियां जल्दी से ख़राब हो सकती हैं। ये बातें आम तौर पे जो साग के व्यापारी हैं वो सब भी जानते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा बाज़ार में साग जो है वो छोटी छोटी गड्डियों में मिलता है जी। और वो कोशिश यही करते हैं कि उसको खड़ा करके रखें ताकि उसमें ख़राबी ना आए, या ऐसे उसको ड्रॉवर्स वगैरह में या लेयर्स बना कर रखें, उसकी तय बना के ऐसे रखें अलग अलग के एक दूसरे से वज़न की वजह से पत्ते ख़राब ना हों। साग किसान खुद बहुत मात्रा में एकदम लेकर नहीं जाता है, वो उतनी ही मात्रा में लेकर जाता है जितना उसको पता है कि उसकी खपत हो जाएगी। और अगर अच्छी मार्केट में लेकर जाएगा, पहले से आजकल टेलीफोन की सुविधा है जी, अगर किसान चाहे तो टेलीफोन के माध्यम से किसान कॉल सेंटर से पता कर सकता है कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है, किस चीज़ की आवक कम है, किसकी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से उसे अपना सामान अच्छी मार्केट में लेकर जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने टेलीफोन का, मोबाइल का जिक्र किया, सूचना क्रांति का तो दौर है ही, ऐसे में एक या दो दिन ये जो फसल है वो तैयार होने के बाद किसी भी साग की रुका जा सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी भाव ठीक नहीं मिल रहा है या बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, हमने पता किया बाजार का भाव, दो दिन रोक ली फसल, रुक के कटाई कर ली, ये भी एक विकल्प होता है हमारे किसान दोस्तों के सामने? जी हाँ, होता है, लेकिन ये फसल पर भी निर्भर है। अब जैसे मेथी है, मेथी, चौलाई और पालक में जो सबसे अच्छी तरह से ज़्यादा समय तक रखा जा सकता है वो मेथी है, उसके बाद चौलाई आता है, और पालक, और पालक जो है वो सबसे कम समय के लिए रखा जा सकता है। तो किसान को चाहिए कि जो चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रखी जा सकती उसको पहले निपटाए, और जिसको रखा जा सकता है उसका रख रखाव उस तरह से करे जिससे कि उसका काम चल जाए। आजकल जो साग है उसके लिए जो किसान लोग शहरों के नज़दीक हैं उन्होंने देखा होगा कि जो मॉल्स हैं या आजकल जो फ्रेश मार्केट्स चली हैं मॉल वगैरह में, जैसे रिलायंस वालों की है, दिल्ली मिल्क स्कीम वालों की है, डीमस वालों की है, तो ये सब लोग भी अपना पहले बता कर जाते हैं किसानों को कि कितनी मात्रा में उनको अगले दिन
कोई भी हरी सब्जी चाहिए। तो किसान अगर उनके साथ जुड़ जाए तो वो फिर अपना निर्धारण कर सकते हैं कि कितना वो काटें ताकि वो सारा का सारा उनका उठ जाए और समय से लग जाए और ये नौबत ही ना आए कि उन्हें काट कर उसे संभाल के रखना पड़े। ऐसे में एक ये भी विकल्प है कि किसान लोग या तो अकेले या जुट बनाकर सब्जियों को सुखाने वाले यंत्र लगा सकते हैं जो जो सूरज की रोशनी पर चलते हैं और जिनसे सुखा कर सब्जी अगर बेचेंगे तो और भी ज़्यादा लाभ होगा और उसकी जो संरक्षण है, जो ज़्यादा दिन तक उसको रखने की जो विकल्प है उसमें वो काफ़ी अच्छी तरह से उसको। डॉक्टर साहब, ये विषय मैं चाहूँगी, ये वाला बिंदु, इसमें आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि जब हम सब्जियों का सुखाने की बात करते हैं, खासतौर से जब हम साग की बात करते हैं, तो उसमें इसका प्रयोग किस तरीके से होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये किसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा विकल्प है कि अगर बाजार भाव अच्छा नहीं मिल रहा है या किसी भी वजह से कोई दिक्कतें आ रही हैं तो ये विकल्प वो इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, मेथी, कसूरी मेथी सब जानते हैं जी, तो मेथी का तो ऐसा है कि मेथी को या तो छाया में भी सुखाया जा सकता है, खुले में जहाँ हवादार जगह हो, या ऐसा भी है कि एक प्लास्टिक का घर, प्लास्टिक हाउस बनाकर उसमें एक तरफ पंखा लगा के उसमें से हवा निकालने का प्रबंध हो सकता है और दूसरी तरफ से अगर टेम्परेचर ठीक नहीं है, गर्म चाहिए, तो थोड़ा सा गर्मी का भी प्रबंध किया जा सकता है। और इस सब के लिए या तो बिजली हो या सूर्य की गर्मी, सूर्य की रोशनी से जो हम बिजली पैदा करते हैं उसके साथ भी ये चीज़ हो सकती है। देखिए, मेथी में ऐसा है कि एक तो कसूरी मेथी नाम से एक वैरायटी ऐसी आती है जिसमें खुशबू ज़्यादा है, क्योंकि ये जब इसको सुखा लेते हैं तो उस समय इसके हरे पत्ते की वैल्यू कम हो जाती है, खुशबू की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम सुखा के बेचेंगे तो हमारे को ये चाहिए कि हम ऐसी वैरायटी यूज़ करें जिसके अंदर खुशबू अधिक हो। तो उसके लिए एक तो कसूरी मेथी है, एक मेथी नंबर 47 आती है और 14 नंबर, इनमें खुशबू ज्यादा, मेथी नंबर 47 और 14 नंबर, और 14 नंबर, तो ये तीन मेथियां ऐसी हैं जिनमें के खुशबू ज्यादा है। और आमतौर पे जो ज्यादा सब्जी के लिए चलती है वो क्वीन नाम की मेथी है, उसमें महक जरा कम होती है, लेकिन क्योंकि वो साग के प्रयोग में आती है, ज्यादा क्वांटिटी लगती है, इसलिए उसमें खुशबू सब्जी बनकर उतनी आती है जितने के आनी चाहिए, जितनी हम लोग पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार हम पालक, चौलाई और मेथी से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। पालक में जैसा आपने बोया लाइनों में पत्ता सब्जी के लिए, उसी प्रकार उसको छोड़ दें, अगर पत्ते नहीं बिक रहे हैं, बाजार भाव नहीं अच्छा मिला, उसको छोड़ दें, उसमें बीज बनेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बातें खेती की और आज की हमारी चर्चा का विषय है पालक, चौलाई का साग और हम बात कर रहे हैं मेथी की भी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर रात भर मेथी को 2 ग्लास पानी में भिगोकर सुबह आप छान कर उसका पानी पियेंगे तो आपकी त्वचा भी अच्छी होगी और आपका वजन भी कम होगा। तो आप इस नुस्खे को लिखिए, तब तक हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मेथी, कसूरी मेथी की बात हो रही थी, इसी को अगर मैं थोड़ा सा और विस्तार दूं इस विषय को, तो आम तौर पे मेथी का जो प्रयोग है, पालक और चौलाई का भी होता है, लेकिन मेथी का प्रयोग 2 तरीके से होता है, हम उसको मसालों के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और औषधीय भी उसका प्रयोग होता है, तो वो एक विकल्प बढ़ जाता है किसानों के सामने कि किस तरीके से वो भरपूर फायदा उठाए, अगर वो खेती कर रहा है तो मुनाफा भी कमाए। एक अच्छा किसान, जो जानकार और अच्छा कमाऊ किसान है, वो क्या करता है कि बीज बनाकर रख लेता है बजाय इसके कि उसको बाजार में हरे पे बगैर अच्छे भाव के बेचे। तो कोशिश ये होती है कि हमारी जो सिफारिश होती है किसान को कि अगर आपको बाजार में भाव अच्छा नहीं मिल रहा तो उसका एक विकल्प ये बहुत अच्छा है कि आप उसका बीज बनाकर बेचें, क्योंकि बीज इन तीनों सब्जियों की, जो साग सब्जी है, इनकी बीज की आवश्यकता मार्केट में बहुत ज़्यादा है और आमतौर पर इनका बीज पर्याप्त मात्रा में बाजार में नहीं मिलता। हम यही सिफारिश करेंगे कि अगर आपको साग का भाव नहीं मिल रहा है या अगले साल आपको बीज के लेने में दिक्कत पेश आ रही है तो आप उसका बीज बनाएं। उसके लिए मेथी के पौधों को 4-4 इंच के फासले पर, यानी 10 सेंटीमीटर के फासले पर रख के आप उनको बीज बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कुछ खाद, सुपरफॉस्फेट देकर बढ़ाएं और उसके बाद जो दाना पड़ेगा उसको काट लें।
और दाने के रूप में उसका या तो बाजार में बेचें या उसका प्रयोग करें। तो यानी कि आज के जमाने में हर क्षेत्र में कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बाजार भाव आपको अपनी साग शाक सब्जियों का अच्छा नहीं मिल रहा है तो उसको प्रिजर्व करके, उसको रोक कर एक योजना के तहत हम उसको सुखा कर उसके बीज के तौर पर भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, बनिस्पत इसके कि हम परेशान हों कि हमें अच्छा बाजार भाव नहीं मिल रहा है। डॉक्टर साहब, अभी आप मेथी दाने की बात कर रहे थे, बीज की बात कर रहे थे। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो मेथी का बीज होता है वो तो मिल जाता है फिर भी, लेकिन पालक और चौलाई का आसानी से नहीं मिलता है, तो जी हाँ, देखिए पालक जैसे मैंने बताया कि पालक का बीज बनाना बहुत आसान है, जबकि मेथी में हमारे को थोड़ा सा छिद्रा करना पड़ता है, उसकी जो घनत्व है उसको कम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा घने पौधे नहीं रखने पड़ते। पालक में ऐसा भी नहीं करना पड़ता, पालक में जैसा आपने बोया लाइनों में पत्ता सब्जी के लिए, उसी प्रकार उसको छोड़ दें। अगर पत्ते नहीं बिक रहे हैं, बाजार भाव नहीं अच्छा मिला है, उसको छोड़ दें, उसमें बीज बनेगा। अब पालक की जो किस्में जो आमतौर पर सारे साल पर चलती हैं, उनमें ऑल ग्रीन नाम की एक किस्म है जो सारे साल चल सकती है, गर्मियों में भी पैदा होती है, सर्दियों में भी पैदा होती है, बरसात में, तो उसका बीज बहुत मात्रा में चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वो साग कटता जाता है और आपको फिर ज़रूरत है मार्केट जाने की, तो लोग क्या करते हैं उसको बारी बारी से बोते हैं, हर 10वें दिन या 15वें दिन बो लेते हैं। तो जो आज बोया गया जब वो चला गया तो उसके बाद वो जो 10 दिन बाद बोया गया वो मार्केट जाएगा, फिर जो 15 दिन बाद बोला गया वो जाएगा। तो इस तरह से लोग बारी बारी से बोते हैं सारे साल, और ये वाला बीज जो है इसकी अच्छी कीमत उसको मिल जाती है। तो अगर हरा साग नहीं भी बिके तो बीज बनाने में बहुत आसान है। इसी तरह चौलाई का है, चौलाई का बीज पालक और मेथी दोनों से ज्यादा मुश्किल से मिलता है। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकूंगी। पालक के लिए आपने बताया ऑल ग्रीन नाम का जो एक ऐसा बीज है, किसी एक ऐसा प्रकार है जिसे आप साल भर इसको बो सकते हैं और बीज के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको फायदा ही होगा। बहुत से लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो आप नोट कर सकते हैं। मेथी और पालक के बाद आप चौलाई की बात कर रहे थे, मैंने आपको रोका बीच में। एक तो चौलाई के बीज जो है वो खुद बहुत प्रोटीनेशियस होता है, और बच्चों के लिए जो फॉर्मुलेशंस बाजार में आते हैं पौष्टिक भोजन जो उनको सप्लीमेंट जिसको बोलते हैं, एडिशनल दिया जाता है खाने के अलावा, ताकि उनके बच्चों की बढ़वार में खूब सहायता, उसमें चौलाई का बीज बहुत काम आता है, और चौलाई के बीज की वैल्यू बहुत है। इसलिए किसान लोग अगर चौलाई का बीज बनाकर उसको बाजार में लेकर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन चौलाई में भी मेथी की तरह उनको थोड़ा निराई करनी पड़ेगी, पौधे से पौधे की दूरी बढ़ानी पड़ेगी। और इसका बीज बहुत आसानी से निकल आता है और हरा दिखता हुआ भी पौधा अच्छा बीज दे देता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि चौलाई का बीज बना लें, और चौलाई के ऐसे दाने जो मिष्ठान में या और हमारी जो प्रिपरेशन हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं वो बनाने में काम आते हैं, उस किस्म के बीज भी हैं हमारे पास। जैसे कीर्ति चौलाई, एक कीर्ति नाम की चौलाई है, उसका दाना सफ़ेद होता है, तो वो दाना बच्चों के खान पान में अगर दे देंगे तो उनकी पौष्टिकता, उनकी बढ़वार बच्चों की वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो आप ध्यान से सुनते रहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाजार में जो बड़ी बड़ी कंपनियों के, नामी गिरामी कंपनियों के जो पौष्टिक पदार्थ बच्चों के लिए आते हैं सिर्फ वही ताकत दे सकते हैं, हमारी देशी जो चीज़ें हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और कहीं ना कहीं इनका मिश्रण उन चीज़ों में होता है, बस उनकी मार्केटिंग अच्छे से होती है, पैकेजिंग अच्छी होती है तो शायद पता नहीं चल पाता, लेकिन ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत काम की और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदे की होती है। डॉक्टर साहब, चौलाई के बीज की बात हो रही थी, इसके अलावा इनके संरक्षण के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये इस पर निर्भर करता है कि आपने इसका कौन सा भाग प्रयोग करना है या कौन सा भाग आपको मार्केट में मंडी में लेकर जाना है। जैसे हरा पत्ता है जी, अब हरे पत्ते के जो साग होते हैं उनमें आमतौर पर आपने देखा होगा बाजार में कई बार किसान लोग उसको काट के ज़मीन में फेंक देते हैं, उसमें मिट्टी लग जाती है, मिट्टी से पत्ते सड़ भी जाते हैं, और फिर जब जो इसको लेकर जाते हैं बाज़ार में तो अच्छा वो अच्छा भी नहीं दिखता और उसका भाव भी कम मिलता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए किसान की कि जब वो उसको काटे तो बाज़ार को ध्यान में रखकर काटे, और काट कर कहाँ रखना है,
आजकल बहुत सुविधा हो गई है, प्लास्टिक के क्रेट्स आ गए हैं, तो अगर काट के क्रेट में रखा जाए या त्रिपाल वगैरह बिछा के या प्लास्टिक बिछा के उसके ऊपर काट के रखा जाए तो साफ रहेगा, सुथरा रहेगा और उसका भाव भी मार्केट में अच्छा मिलेगा। तो लगातार ऐसी आपके काम की जानकारी डॉक्टर साहब आपको देते रहेंगे, हम भी आपके साथ बने रहेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम फौरन लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। चौलाई का जो बीज है जो पोषक तत्वों के लिए है, उसके लिए बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो आजकल किसानों के साथ अनुबंध करके उनसे कहती हैं कि हमारे को इनका बीज आप दीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं बातें खेती की, और हम बात कर रहे हैं पालक, चौलाई और मेथी के बीज के संबंधित कुछ हम ज्ञानवर्धक जानकारी डॉक्टर साहब से ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कि अगर बाजार भाव अच्छा नहीं मिलता है या कोई भी दिक्कत किसी भी कारणवश आती है तो साग जो होते हैं हम इनका भंडारण कर सकते हैं, बीज के तौर पर भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात की जाए इन तीनों के बीज की तो और क्या खास बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए किसानों को? बीज बनाने की विधि मैंने बताया कि चौलाई और मेथी में उनकी निराई करनी पड़ेगी, जो जिस सब्जी को हमने हरे साग के लिए उगाया है उसका बीज बनाने में थोड़ी निराई करनी पड़ेगी, पौधों से पौधों की दूरी बढ़ानी पड़ेगी। जहाँ तक पालक है उसमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग बीज पर। जो मेथी का बीज है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसाला है और बहुत से मसालों में मेथी का बीज इस्तेमाल होता है, और मेथी हमारी देसी दवाओं में भी बहुत इस्तेमाल होती है, और आपको पता है देसी दवाएं भी बहुत एक्सपोर्ट होती हैं इंडिया से और मसाले भी बहुत एक्सपोर्ट होते हैं। तो जब इनका निर्यात होता है तो निर्यात के मामले में हमें थोड़ी सी एहतियात बरतनी होगी। आमतौर पर मेथी की खेती में हमको बहुत ज़्यादा दवाइयों का, चाहे बीमारियों से बचने के लिए चाहे कीड़ों से बचने के लिए, प्रयोग नहीं करना पड़ता, लेकिन यदि हम प्रयोग करते हैं और अगर बीज में उसकी मात्रा कुछ रह जाती है तो वो एक्सपोर्ट में दिक्कत पैदा कर सकती है, उसके निर्यात में उसके दिक्कत आ सकती है। ये जो आपने बताया कि अगर हमको काटना है उसका बीज निकालना है तो 10 दिन पहले हम दवाइयों का प्रयोग बंद कर दें, तो ये जो बात है या कह सकते हैं जो नियम है, ये आप उस परिस्थिति में बता रहे हैं जब हमें उसको निर्यात करना हो या सामान्य परिस्थिति में भी ऐसा करना लाभदायक होता है? देखिए, निर्यात में तो आवश्यक है ही है, लेकिन क्योंकि ये मनुष्यों द्वारा प्रयोग होना है तो चाहे भारत में यूज हो चाहे बाहर हो, कम से कम और हो सके तो बिल्कुल नहीं मात्रा होनी चाहिए ऐसे केमिकल्स की जो हम प्रयोग करते हैं खेत में। तो ये अच्छा ही है कि हम चाहे उसे एक्सपोर्ट के लिए भेज रहे हैं चाहे हम लोकल यूज़ के लिए भेज रहे हैं, उसमें 10 दिन से 15 दिन पहले उसको दवाई को जब हमने छिड़का उसके बाद ही हम उसको काटें। तो डॉक्टर साहब ने आपको बहुत आपके काम की एक टिप्स दी कि अगर आप अपने किसी भी मसाले का या किसी भी चीज का, बीज का, आप निर्यात की दृष्टि से उसका उत्पादन कर रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता पर खास तौर पर ध्यान रखें, अन्यथा आपको दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा अभी आप ब्रेक में से पहले भी हमें एक बात हो रही थी, आपने जिक्र छेड़ा था कि बहुत से ऐसे न्यूट्री प्रोडक्ट, बहुत से ऐसे पोषण वाली चीजें या बहुत से ऐसे प्रोडक्ट बाजार में उत्पाद आते हैं जिसमें सफेद जो दाना होता है चौलाई का, उसका प्रयोग होता है। तो अगर किसान की दृष्टि से देखें तो ये भी एक बाजार उसका बढ़ने वाली बात है कि वो उस तरीके से कुछ कॉन्ट्रैक्ट या ठेके पे उसका उत्पादन करे और उसको वहाँ पे बेचे और पैसा कमाए। ऐसा होना शुरू हो गया है जी, कि क्योंकि पहले तो जो पोषक तत्व बनाए जाते थे बच्चों के लिए उसमें दूध का, सूखे दूध का बहुत प्रयोग होता था, लेकिन अब सूखे दूध का प्रयोग बंद कर दिया गया है और उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो चौलाई का बीज बहुत अच्छा माना गया। तो चौलाई का जो बीज है जो पोषक तत्वों के लिए है, उसके लिए बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो आजकल किसानों के साथ अनुबंध करके उनसे कहती हैं कि हमारे को इनका बीज आप दीजिए। तो हालांकि ये अभी बहुत कम शुरू हुआ है, लेकिन हौले हौले इसका चलन बढ़ेगा। अगर बहुत ही साधारण शब्दों में बात समझी जाए तो हरे जो उसका फॉर्म होता है, पत्तियां होती हैं पालक, मेथी या चौलाई की, उसको भी बेच के पैसा कमाया जा सकता है, बीज के तौर पर भी किया जा सकता है,
तीसरा जो बिंदु आता है निर्यात के लिए पहले से योजना बनाकर उसकी गुणवत्ता पे थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देकर निर्यात करके भी पैसा कमाया जा सकता है। साथ ही आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट पे या खेती जो है वो ठेकेदारी पे करके इस तरीके से भी जो हमारे किसान दोस्त हैं वो पैसा कमा सकते हैं, कोई भी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर होते हैं, वहां पर आप जानकारी से संबंधित ले सकते हैं और क्या क्या कदम उठा सकते हैं, क्योंकि आजकल हाईटेक जमाना है, बहुत सारी तकनीकी आ गई है। अगर किसी संदर्भ में कोई और ज्यादा जानकारी लेनी हो, किस तरीके से और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, कोई ऐसी खास योजना या कोई ऐसे संस्थान है जहाँ पर और ज्यादा जानकारी मिल सकती है हमारे किसान दोस्तों को? जी हाँ, ऐसा है कि हमारे यहाँ नेबर्ड एक संस्था है जो किसानों के लिए या खेती के लिए एक बैंक है, भारतवर्ष का सबसे बड़ा बैंक है। उसकी कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसमें किसान लोग यदि अपना समूह बनाकर खुद बेचना चाहते हैं, एक कंपनी बनाकर अपने प्रोडक्ट्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, तो उसके लिए काफ़ी मदद भी मिलती है, पैसे की मदद मिलती है। जितना पैसा किसान लोग खुद इकट्ठा करते हैं उसके बराबर उनको मदद देती है, बगैर ब्याज के और बगैर किसी मॉर्टगेज के, कोई चीज उनको रहने नहीं रखनी पड़ती। यानी कि बात घूम फिर कर यही आती है कि खेती कोई भी हो, जागरूकता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक जो कई वर्षों से चल के आ रहा है आप उसी तरीके से उसको, उसकी खेती करें, उसको बेचें और अगर कम मुनाफा हो रहा है या ज्यादा मुनाफा अगर नहीं हो पा रहा है तो भी संतोष कर ले। और भी बहुत से रास्ते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसको खंगाल सकते हैं, किसान कॉल सेंटर की मदद ले सकते हैं, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। तो आप इन सारी चीजों को अमल में लाइए, प्रयोग में लाइए। और एक बात और जो डॉक्टर साहब ने बताई कि समूह जो है, मतलब एकजुटता में तो जैसे भी कहा जाता है बहुत सारी ताकत होती है, तो समूह में अगर आप मझोले स्तर के हैं तो आप समूह बनाकर भी इन सारी योजनाओं का, बहुत सी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान दोस्तों के लिए दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अगर आप भी हमसे संपर्क करना चाहते हैं, आपकी कोई शिकायत है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो स्क्रीन में नीचे जो पता फ्लैश हो रहा है आप उसके द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है 302 ए पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिख भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर। अगली बार फिर बातें खेती में आपसे मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नई चर्चा पे, किसी और ज्यादा आपके मुनाफे की बात के लिए। लेकिन फिलहाल आज के संक में इतना ही। याशु को दीजिए इजाजत। नमस्ते।